गाइस, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम जो मकई बना रहे हैं तो वो बिना पानी के कुकर में बना रहे हैं। तो किस तरह से बना रहे हैं और टेस्टी बना रहे हैं और इजी भी है बनाने में, टाइम भी बचता है और यह जल्दी हो जाता है और टेस्टी लगता है। अभी बारिश का सीजन है तो इस तरह से खाने में मज़ा भी आता है। तो किस तरह से बनाते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। अभी हमें मकई जो बनानी है तो इसके लिए मैं तेल ले रही हूँ, आधा TSP जितना तेल। इसमें मैं नमक मिक्स कर रही हूँ, नाम नमक मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे मकई को लगाना है बहुत बढ़िया से टेस्ट में, तो ऊपर से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर से लगाना है तो आप इसे नींबू निचोड़ सकते हो जब पक जाने के बाद। अभी ये हो गया है तो अभी वापस हम मकई को ले लेते हैं इस तरह से। अभी हमें मकई को हाथों से लेके फिर जो हमने तेल का बनाया है तो इस तरह से हम लगा लेते हैं। जितनी अच्छी तरह से लगाओगे ना उतनी हमारी जो मकई है वो बढ़िया सी आएगी। यहाँ पे भी लगा लेते हैं ऊपर इस तरह से। मैं दूसरे भी लगा लेती हूँ। मैंने दो मकई ली है, कुकर में हमें करना है तो क्या है, मैंने मकई के दो दो पीस बना दिए हैं। इतना बड़ा मकई कुकर में नहीं आ सकता है तो मैंने इस तरह से बना दिया। अभी जो बचा है उसको भी मैं लगा लेती हूँ। अभी इस तरह से हमने पूरा अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अभी जो हमने कुकर लिया है, मैं कुकर आपको बताती हूँ। कुकर को मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मकई है वो नीचे चिपकेगी नहीं। मैंने आधा तक कुकर को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी इसे हम कुकर में इस तरह से रख देते हैं। और इसे हम कवर कर देते हैं। और वापस चलते हैं हम कुकर गैस की तरफ। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इसे हम मीडियम पे रखते हैं और इसे हम एक विसल होने देते हैं। कुकर की एक सीटी हो गई है हमारे, तो अभी इसे हम बंद करते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। कुकर हमारा टोटल ठंडा हो गया है तो अभी हम देख लेते हैं। खुशबू बढ़िया सी आ रही है, मैं आपको पास से बताती हूँ इस तरह से। अभी इसे हम एक एक करके निकाल देते हैं। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अभी इसे मैं एक एक करके निकाल देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। इस तरह से मैं चारों निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको वापस बताती हूँ। इस तरह से ये बढ़िया सी बन गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमने ऑलरेडी पहले ही नमक और तेल लगा दिया था। ये थोड़ा सा नीचे जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है पर पूरी मकई अच्छी तरह से ये सीख जाती है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। और आपको अगर लेमन जूस चाहिए होगा तो आज ऊपर से लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें तेल और नमक लगा दिया है तो बढ़िया सी टेस्ट आती है और गर्मा गर्मा खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, इस तरह से ज़रूर बनाए। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी, सिर्फ एक विसल ही करना है। अगर ज़्यादा किया तो ज़्यादा जल जाएगा क्योंकि उसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाने का ट्राई कीजिए। बहुत ज़बरदस्त लगता है और टेस्टी भी लगता है और बारिश के मौसम में तो ज़रूर इस तरह से खाना चाहिए। वो जो हम सेकते हैं ना उससे तो बढ़िया सा ये टेस्ट लगता है। दोनों की अलग अलग टेस्ट लगती है। अगर आपने वो भुट्टा खाया होगा तो इस तरह से भी आप बना के देखिए, बहुत गजब का लगता है। और इस तरह से बना के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।